नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। रांची में धुरवा के जेपी मार्केट स्थित राशन दुकान में डीलर लोगों को कम राशन दे रहा था, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। लोगों का गुस्सा देख डीलर दुकान बंद कर भाग गया, पर लोग दुकान का ताला तोड़ने लगे। घटना की सूचना पर वार्ड पार्षद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया बुझाया। मामला वार्ड 38 का है। तो रांची की खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से डीलर जो है लोगों को कम राशन दे रहा था, जिस वजह से लोग काफी गुस्से में आ गए और दुकान को देखिए किस तरीके से ईंट से तोड़ा गया है ताले को, जमकर लोगों में गुस्सा यहां पर देखने को मिला। तो रांची में धुरवा के जेपी मार्केट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रांची में धुरवा के जेपी मार्केट स्थित राशन दुकान में डीलर लोगों को कम राशन दे रहा था, जिससे लोग काफी आक्रोशित हो गए। लोगों का गुस्सा देख डीलर दुकान बंद कर भाग गया, पर लोग इतने गुस्से में थे कि दुकान का ताला तोड़ने लगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं किस कदर लोगों में गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। डीलर तो मौके से फरार हो गया, लेकिन जो लोग हैं वो काफी गुस्से में दुकान का ताला तोड़ सकते हैं, तोड़ने लगे। तो किस कदर लोगों में गुस्सा है ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि डीलर जो है कम राशन लोगों के बीच बांट रहा था, जिस वजह से लोगों में जमकर ये गुस्सा देखने को, दुकान का 50 से 30 किलो हम कहते देले हैं 40 किलो और अथी कहो थे कि हम तुम्हारा पूरा मिल गया, तो से हम चुप हो गई बेटा। हमारे अथी दीपक बाबू कह लाई कि से काहे ते भाग थे, न भाग चाउर खना ले, घर में चाउर नहीं रहे, खन हम पहुँचा दिल के लिए आए थे। हाँ, सुबह से लोग आए हुए थे, एक दो आदमी दे रहा था, फिर आए फिर लेने के, फिर हमको फोन किया कर सारे लोग कि भैया थोड़ा कम दे रहा राशन। हम बोले आए तो हम बोले चाचा ठीक ठाक बच रहा ना, तो बोले कि हाँ ठीक बना था, ठीक है बांटिए। तो हम करधारी को पूछे ठीक ठाक मिल रहा, तो पाँच यूनिट था, राशन कम दिया जा रहा था, राशन कम दिया जा रहा था। कुछ लोग का तीन, किसके नाम पे है ये अशोक, जानकारी लेंगे। आयुष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आयुष, साफ तौर पर यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जब ये लोगों के अंदर जब गुस्सा दिखा, दुकानदार तो फरार हो गया मौके से, क्या अब तक इस पर किसी ने सुध ली है इस पूरे मामले पर? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आक्रोशित लोगों ने ही मुझे फोन करके बताया था कि ये जो है वो पहुंचे हैं राशन, लगातार मुझे ये जानकारी मिल पा रही थी। हालांकि दुकानदार के अशोक सिंह जो है, वो संचालक है, जो डीलर है, उनके द्वारा भी मैं जब जवाब मांगा था, उन्होंने कहा था कि अभी जो है काफी लोग भीड़ जमाए हुए हैं और काफी प्रेशर है लॉकडाउन में, तो इस कारण ये समस्या हो रही है। लेकिन जब हम भी कह सकते हैं कि उनके एक्सक्यूज पे जो है वो नहीं कोई ऐसा कार्रवाई करना या फिर सूचना नहीं दे पाए, तो जो वहाँ के लोग हैं आक्रोशित होकर खुद जो है उस पे टूट पड़े और जो है ताला तोड़ दिया। इससे पहले ये घटना घटी कि वहाँ जब नाराज लोगों ने जब हंगामा शुरू करना कर दिया, मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, तो वो भाग खड़े हुए। इसके बारे में जब हमने सूचना दी थाना प्रभारी को, तो अभी कह रहे थे कि जो इस पे जो है अगर मान लीजिए कि उन्हें आवेदन मिलता है तो इस पे कार्रवाई होगी। तो कह सकते हैं कि फिलहाल जो है वही अभी जो स्थिति है वो बनी हुई है, इस पे किन्हीं ने सूद नहीं लिए। चलिए आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रांची की खबर, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह कदर लोगों में गुस्सा आप देख रहे हैं कि दुकान का ताला जो है ये लोग तोड़ने लग गए। फिलहाल पार्षद ने लोगों को समझाया बुझाया और मामले को शांत करवाया है, लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि अब तक इस पूरे मामले पर किसी ने सुध तक नहीं ली है।